मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। असरार उल हसन खान के शेर से शायद ही कोई हो जो ना वाकिफ हो। असरार उल हसन खान के लिखे हुए कलाम में जिंदगी के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराने की जबरदस्त क्षमता थी। इनकी कलम की स्याही नज्मों के रूप में एक ऐसी गाथा के रूप में चारों ओर फैली जिसने उर्दू शायरी को महज मोहब्बत के सब्ज बागों से निकालकर दुनिया के दीगर स्याह सफेद पहलुओं से भी जोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने रूमानियत को भी नया रंग और ताजगी प्रदान करने की पूरी कोशिश की। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध शायर, गीतकार और प्रगतिशील आंदोलन के, उर्दू के सबसे बड़े शायरों में से एक, जिन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश, समाज और साहित्य को नई दिशा देने का काम किया और 50 से ज़्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे, ऐसे मशहूर गीतकार को हम जानते हैं मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से। आजा, आजा। आजा जा, मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। तो आज का फिल्मी चक्र लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका मित्र समीर गोस्वामी, और आज हम चर्चा करेंगे मशहूर गीतकार असरार उल हसन खान उर्फ मजरूह सुल्तानपुरी की। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हारे पिया, हारे हारे पिया, कांटा लगा, हाय लगा, आजा राजा। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हारे पिया, हारे 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 पिया, कांटा लगा, हाय लगा, राजा राजा। मजरूह एक ऐसे शायर थे जिनके कलाम में समाज का दर्द झलकता था। उन्होंने ज़िंदगी को एक दार्शनिक के नज़रिए से देखा और उर्दू शायरी को नए आयाम दिए। उनके लिखे फिल्मी गीतों में एक नयापन और अपनापन महसूस किया जा सकता है। मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर में 1 अक्टूबर 1919 को हुआ। आजा पिया, तो है प्यार तू, गोरे भैया, तो बेवार तू, इसलिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यास, इसलिए किसलिए, ओ आजा पिया, तो है प्यार दू, ओ गोरी भैया, तो बेवार दू, किसलिए तू। मजरूह ने लखनऊ के तकमील उल तीब कॉलेज से यूनानी पद्धति में मेडिकल की परीक्षा उत्तीर्ण की।
इसके बाद वे एक हकीम के रूप में काम करने लगे। बालों में खुशबू है, खुशबू में तू ही तू है। बालों में खुशबू है, खुशबू में बचपन के दिनों से ही मजरूह सुल्तानपुरी को शेर व शायरी करने का काफ़ी शौक था और वे अक्सर सुल्तानपुर में हो रहे मुशायरों में भाग लिया करते थे। इस दौरान उन्हें काफ़ी नाम और शोहरत भी मिली। उन्होंने अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस बीच में ही छोड़ दी और अपना सारा ध्यान शेर व शायरी की ओर लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान वे प्रख्यात शायर जिगर मुरादाबादी के संपर्क में आए। वर्ष 1945 में सब्बो सिद्दीकी इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित एक मुशायरे में हिस्सा लेने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी मुंबई आए। मुशायरे के कार्यक्रम में उनकी शायरी सुनकर मशहूर निर्माता ए.आर. कारदार उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी से अपनी फिल्म के लिए गीत लिखने की पेशकश की। मजरूह ने कारदार साहब की इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया क्योंकि फिल्मों के लिए गीत लिखना वे अच्छी बात नहीं समझते। बाद में जिगर मुरादाबादी की सलाह पर मजरूह सुल्तानपुरी फिल्म में गीत लिखने के लिए राजी हो गए। संगीतकार नौशाद ने मजरूह सुल्तानपुरी को एक धुन सुनाई और उस धुन पर मजरूह सुल्तानपुरी ने एक बहुत खूबसूरत गीत की रचना की। जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के, मस्त उमंगे लहराई है रंगी मुखड़ा झूम के, गुंचा महका बुलबुल चहका, गुंचा महका बुलबुल चहका, नाचे भंवरा। मजरूह के गीत लिखने के अंदाज से नौशाद काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें अपनी नई फिल्म शाहजहां के लिए गीत लिखने की पेशकश कर दी। मजरूह ने वर्ष 1946 में आई इस फिल्म शाहजहां के लिए एक गीत लिखा जो बेहद लोकप्रिय हुआ। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी गए क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। इसके बाद मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार नौशाद की सुपरहिट जोड़ी ने अंदाज, साथी, पाकीजा, तांगे वाला, धर्मकांटा और गुड्डू जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। अपने बेगाने को, लेकिन कितना बेपरवाह है
फिल्म शाहजहां के बाद महबूब खान की अंदाज और एस फाजिल की मेहंदी जैसी फिल्मों में अपने रचित गीतों की सफलता के बाद मजरूह सुल्तानपुरी बतौर गीतकार फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। हकीम का पेशा छोड़कर कलम से दुनियावी परेशानियों का इलाज ढूंढने निकले मजरूह ने 1940 के दशक में मुंबई में नज्म माजे साथी जाने ना पाए पड़ी थी। तत्कालीन सरकार ने इसे सत्ता विरोधी करार दिया था, जिसकी वजह से मजरूह को तकरीबन 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। इसलिए मिल मिल के दिल टूटते हैं, इसलिए बन बन महल टूटते हैं, इसलिए दिल टूटते हैं, ओ किसलिए मिल मिल के दिल टूटते हैं, किसलिए बन बन महल टूटते हैं, किसलिए दिल टूटते हैं। पत्थर से पूछा, शीशे से पूछा, खामोश है सबकी जुबान, है दिल कहा तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है जमीन दिल तेरी। मजरूह सुल्तानपुरी को सरकार ने सलाह दी कि वो अगर माफी मांग लेते हैं तो उन्हें जेल से आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी इस बात के लिए राजी नहीं हुए और उन्हें 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। अंगड़ाई देख कर ते जागी है नौजवानी, सपने नए हैं और जंजीर है पुरानी, पहरेदार फाके से बरसो राम धड़ाके से, होशियार भाई सब होशियार, रात अंधेरी रुत बरखा और गाफिल सारा जमाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को बांध सका, सयाद तो एक दीवाना है। जेल में रहने के कारण मजरूह सुल्तानपुरी के परिवार की माली हालत खराब हो गई। राज कपूर ने उनकी सहायता करनी चाही, लेकिन मजरूह ने उनकी सहायता लेने से मना कर दिया। इसके बाद राज कपूर ने उनसे एक गीत लिखने की पेशकश की। मजरूह सुल्तानपुरी ने एक बेहतरीन गीत की रचना की, जिसके एवज में राज कपूर ने उन्हें 1,000 रुपये दिए। साल 1975 में राज कपूर ने अपनी फिल्म धर्म करम के लिए इस गीत का इस्तेमाल किया। ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मत वाले सब सोचे जग वाले, आया था इस दुनिया में कोई मस्ताना, करम पंप हर दिल को तेरी याद आए तेरे बाद, इतना तो करता जा फिर दुनिया से दो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। लगभग 2 वर्ष तक जेल में रहने के बाद मजरूह सुल्तानपुरी एक बार फिर
नए जोश के साथ काम करने लगे। जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में, इस दिल का क्या हाल करूं ऐसी बहारों में। जीने का दिन मर जाने का मौसम है इन नजारों में, मैं अपना क्या हाल करूं कह दो इशारों में। वर्ष 1953 में प्रदर्शित फिल्म फुटपाथ और आर पार में अपने रचित गीतों की कामयाबी के बाद मजरू सुल्तानपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पुनः खोई हुई पहचान बनाने में सफल हो गए। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्द जुदाई कहीं। रुत हसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम। शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा भी जा आज मेरे सनम। शामे गम की कसम। मजरू सुल्तानपुरी के सिने कैरियर में उनकी जोड़ी संगीतकार एस डी बर्मन के साथ खूब जमी। एस डी बर्मन और मजरू सुल्तानपुरी की जोड़ी वाली फिल्मों में पेइंग गेस्ट, 9-2-11, 16वां साल, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, सुजाता, बम्बई का बाबू, बात एक रात की, तीन देवियां, ज्वेल थीफ और अभिमान जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। मजरू सुल्तानपुरी के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए वर्ष 1993 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा वर्ष 1964 में प्रदर्शित फिल्म दोस्ती में अपने रचित गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए वो सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्श भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्श भी तू, नैन भी तू, मितवा। मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे, आवाज मैं ना दूंगा। जाने माने निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्मों के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने सदाबहार गीत लिखकर उनकी फिल्मों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मजरू सुल्तानपुरी ने सबसे पहले नासिर हुसैन की फिल्म पेइंग गेस्ट के लिए सुपरहिट गीत लिखा। मैं चली
तमन्ना ओ जरा सुनना जाने तमन्ना इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा ओ छोड़ दो आजल जमाना क्या कहेगा हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा मजरूह के सदाबहार गीतों के कारण ही नासिर हुसैन की अधिकतर फिल्में आज भी याद की जाती हैं। इन फिल्मों में बहारों के सपने प्यार का मौसम कारवां यादों की बारात हम किसी से कम नहीं और जमाने को दिखाना है जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। ओ कहते हो के जाओ लेकिन बतलाओ ओ जाए भी तो जाए हम कहां कहते हो के जाओ लेकिन बतलाओ ओ जाए भी तो जाए हम कहां ऐसा दिल का मारा कौन हमको तो तुमसे है हे कांची अरे बाबा हे कांची ओ प्यार अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है हे कांची अरे हे कांची प्यार। मजरू सुल्तानपुरी ने अपने चार दशक से अधिक लंबे सिने कैरियर में 300 फिल्मों के लिए 4000 गीतों की रचना की। घूम घूम के गली गली जाना पिया के द्वार घूम घूम के गली गली जाना पिया के द्वार मोड़ मोड़ पे गोरी तेरी पायल करे पुकार मोड़ मोड़ पे गोरी तेरी पायल करे पुकार गोरिया कहाँ तेरा देह अरे हो गोरिया कहाँ तेरा मजरू की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि सन 1945 से लेकर 2000 तक वो सक्रिय रहे और नौशाद से लेकर एकदम नए नवेले संगीतकारों तक के साथ उन्होंने काम किया। बेहद साहित्यिक गीतों से लेकर बहुत ही खिलंदड़ और मस्ती भरे अलबेले बोलों वाले गीत भी मजरूह ने लिखे। मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी मेरी रिक्शा सबसे निराली हो ना गोरी है ना ये काली तक पहुंचा देने वाली मैं हूं घोड़ा ये है गाड़ी मेरी रिक्शा सबसे निराली हो ना गोरी है ना ये काली हो घर तक पहुंचा देने वाली। जिंदगी से जुड़े दुनिया के सवालों के जवाब ढूंढते शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के कलाम में जिंदगी के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराने की जबरदस्त कुव्वत थी। आपका अरमान आपका नाम मेरा तराना और नहीं इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं जचता ही चाहे तो क्या कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए मजरू को एक हद तक
प्रयोगवादी शायर और गीतकार भी कहा जा सकता है। उन्होंने अवध के लोकगीतों का रस भी अपनी रचनाओं में घोला था। उससे पहले शायरी की किसी और रचना में ऐसा नहीं देखा गया। उन्होंने फिल्मी गानों में भी उर्दू अदब की तासीर को बरकरार रखने पर पूरा ध्यान दिया। अपने गीतों के जरिए लोगों को जिंदगी के अहम पहलुओं पर सोचने को मजबूर करने, मोहब्बत की ताजगी भरी छुअन का एहसास कराने और जीवन के अनछुए पहलुओं को गीतों और गजलों में पिरोने वाले मजरूह का 24 मई 2000 को मुंबई में निधन हो गया। इसी के साथ आज का फिल्मी चक्र समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने मित्र समीर गोस्वामी को। अगले फिल्मी चक्र में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी